नमस्कार, मैं अजय। अभी या चाहे इस शहर के लिए स्टोरी समझ लेना, चाहे यहाँ पे कोई बनने वाली कहानी समझ लेना, क्योंकि बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो या टॉलीवुड हो, वो इस तरह की कहानी पकड़ पकड़ के फिल्में बना देते हैं जी। चाहे वो भूता की हो, चाहे वह किसी और चीज़ की हो, तो जहाँ पे भूत हैं वहाँ पे हमारे भगवान भी हैं। भगवान के साथ साथ में ऐसा ना होगी कि रोड की व्यवस्था इस कॉलोनी के अंदर इतनी ऊँची ऊँची बन तो रही है इमारतें और बन तो रहे शीश महल जैसी अपने सफल हो गया आसियाने। अब ऐसा ना हो कि भविष्य के अंदर किसी बैंकर वाला एक्सीडेंट हो और उसकी फिर आत्मा उत्मा और तड़फा लग जा और बस आत्मा ड्रामे कर करके वो किमरे और किमरे लग जा, फिर यहाँ पे कोई और तैयारी करनी पड़ जा। तो इसके लिए व्यवस्था ये है कि चाहे यहाँ की कमेटी हो, चाहे यहाँ के जो जागरूक व्यक्ति हो, चाहे वो मेरे भगवान के रूप के हों, क्योंकि जी मैंने किसी को अपने व्यक्ति तो बताने का काम किया था, वो मेरी वो थी। अब जी ढूंढने में तो पत्थरों में भी भगवान ढूंढते हूँ और मैं जितते जागते एक व्यक्ति के अंदर भगवान ढूंढ रहा हूँ, तो ये मेरी उसके प्रति एक आदर है, मान है। लेकिन बात बात तो बात है, अब किसी का लाल चाहे तो किसी को दुख होना चाहिए, किसी के घर पे कोई आए तो सभी को सुखी होना चाहिए। लेकिन यह दुख का माहौल है आज, ये बड़ी बड़ी जितना चिंता का विषय बना हुआ है इस रोड के लिए, इस क्षेत्र के लिए। और यहाँ पे आने अनजाने में ये ओस बढ़ेगी और ओस बढ़ने के कारण में यहाँ से साधन वादन आने का काम होगा और सामने से लाइट पड़ती होती है, खम्भा दिखने का काम भी नहीं होता। तो अब ये जिस सिस्टम से काम होना, तो उसके लिए आदमी भी सेफ माना जाएगा और यहाँ के जो लोग हैं वो भी सेफ माने जाएंगे। वो बेधड़क होके इतने बड़े 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 मकान कोठियाँ बना सकता है जी। अब गाड़ी आई है और भैया चीज़ दिखा दे, ए यह चीज़ यहाँ पे ऐसे पोल था इसकी चोरी करने के लिए, इसकी दाएं बाएं की व्यवस्था वो तो बताने का काम करेंगे जो यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, जो यहाँ के समाज सेवक रूप में अपने भूमिका निभाने का काम करें। तो ये है कि जागरूकता पैदा हो जाए और किसी का नुकसान ना हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे मकान हो, चाहे आदमी कुछ भी करता हो रहा है। आज वो करा लोन पे है, अब ये टायर गया इसके ऊपर तय, तो ये इसके ऊपर तय जाने गया, इसका कितना भयंकर नुकसान हो सकता है और कितना जो उसमें आज का है। तो यहाँ के जो युवा पीढ़ी है वो जागरूक है, तो इन्होंने एक बीड़ा उठाया जहाँ पे यहाँ इस एरिया के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए, पड़ जा, मर जा, बिड़ जा, तो ये व्यक्ति मुझे खड़े मिलते हैं, चाहे रात के 11 बजे की बात हो, चाहे वो 2 बजे की बात हो, चाहे दोपहर के 1 बजे की बात हो। नमस्ते। नमस्ते अजय भाई, भाई बहुत बढ़िया, आपकी सेवा को नमन करता हूँ भाई। भाई भाई के इनके द्वारा के क्या महाकाल की श्री राम बाग है अपने भिवानी में, जो शमशान घाट है वहाँ पे हम लोग जाते हैं, जो जो सेवा भगवान शिव ने हमको दे रखी है वो सेवा करते हैं, श्रृंगार करते हैं महाकाल का जी। महाकाल जी का श्रृंगार भी होता है, देखने लायक होता है शहर के अंदर, जाया करें। कब 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 करते हैं आप? वो सोमवार को होता है, सोमवार, हाँ सोमवार को, आज सोमवार है जी, आज पास किस टाइम की कर के जाए, जो आरती के टाइम पे होता है, 4 बजे हम चले जाते हैं, 6 बजे आरती होती है वहाँ पे, सुनने में कुछ देखने लायक। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो जगह ही देखने लायक है जी, जगह देखने लायक, पवित्र जगह जी। लेकिन आज नीटू जिस प्रकार से वो जगह पवित्र है, अभी जगह पर कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बुरी आत्मा बस भी जाएगी, कोई किमी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा? अजय भाई ऐसा है, मैं आपको बताऊं कि हर काम की एक एज होती है, एक उम्र होती है। अब यहाँ पे रेजिडेंस एरिया है ये, एमसी कॉलोनी में हम लोग खड़े हुए हैं, पास में बालाजी कॉलोनी भी है, उससे पीछे महाराणा प्रताप कॉलोनी भी है, उससे पीछे बजरंगबली कॉलोनी भी है, इस तरफ की हम बात करें तो पजावा भी है, भारत नगर भी है, जितने भी मेरे साथी यहाँ पे खड़े हुए हैं सब यहीं के रेजिडेंस के लोग हैं, आस पड़ोस में ही रहते हैं सब लोग। ये जो पिल्लर यहाँ पे लगे हुए हैं, ये जो मेन रोड जो है, हम इसको एमसी कॉलोनी रोड बोलते हैं, इस पे ना जाने कितने व्हीकल्स जाते हैं, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 7-8 कॉलोनियाँ यहाँ पे लगती हैं, काफ़ी व्हीकलों का आना जाना लगा रहता है। ये पिल्लर जब से लगे हुए हैं, कोई दिन कोई रात ऐसा नहीं जाता होगा जिस दिन यहाँ पे एक्सीडेंट ना होता हो, डेली यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो बाइक का हो, ना जाने कितनी गाड़ियों के टायर यहाँ पे फट चुके हैं। और आपके भाई हैं, जैसा आपने इंट्रोड्यूस करवाया मेरे बारे में कि मैं हूँ भक्ति भाव में रहता हूँ, जब से मैं इस लाइन से जुड़ा हूँ तो मेरे अंदर मानवता का जागरण हुआ है, तो किसी का भी नुकसान होता है उसके नुकसान को मैं अपना नुकसान मानता हूँ और भगवान से शिव से प्रार्थना करता हूँ कि जान मान के नुकसान ना हो, किसी का भी ना हो। पर कुछ एक लोगों ने यहाँ जो एमसी कॉलोनी की जो सोसाइटी बनी हुई है उसमें 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने इन पिलरों को अपनी अहम की लड़ाई बना रखा है कि ये उससे फायदा क्या हुआ है, अहम की लड़ाई बना, ये तो वही बताएं कि फायदा क्या होगा किसी को। अब मैं आपको पिछली बातें नहीं करूँगा, मैं आपसे मैं कल रात परसों रात की बताता हूँ, ये पास में हमारा जिम है चैलेंज हेल्थ क्लब जिसका नाम है, वो ओनर तो है, ओनर तो है अमित यादव जी, और संभालते मैं अमर यादव और अमित है, काफ़ी लोग बैठते हैं, संभालते हम उस टीम को। जब शाम को हमारा लास्ट बैच 10:30 बजे का होता है, जब 10:30 बजे के जो स्टूडेंट हमारे पास एक्सरसाइज करने आते हैं वो चले जाते हैं,
जिम को क्लोज करने के बाद जैसे ही हम यहाँ से निकलते हैं रात को, तो कोई ना कोई यहाँ पे गाड़ी जिसका टायर फटा हो, कोई ना कोई बाइक जिसका एक्सीडेंट हुआ हो, वो यहीं पे ही मतलब दर्द से कराते हुए नजर आते हैं हमें। उनकी पीड़ा को समझते हुए जब उनकी मदद करने के लिए यहाँ पे रुकते हैं। जी लगाए किस चीज के लिए, किस व्यवस्था के लिए थे? मैं वो बताऊंगा उस चीज के बारे में भी आपको। तो यहाँ पे वो दर्द से कराते हुए मिलते हैं, परेशानी में दिखते हैं, उनका दर्द को हम समझते हैं, उनकी मदद करने के लिए जब हम यहाँ पे रुकते हैं, तो यहाँ के आसपास के लोग जो कमेटी का अपने आप को सदस्य बताते हैं, वो गेट खोल के बाहर आते हैं, उस जिसका नुकसान हुआ है उसके ऊपर हंसते हैं, उसके दर्द को मजाक बनाते हैं, उनके नुकसान को मजाक बनाते हैं और दरवाज़ा बंद करके अंदर चले जाते हैं। पर हमारी मानवता ये कहती है, हमारा धर्म ये कहता है कि किसी के नुकसान में अगर हम हंस रहे हैं तो कर्म चक्कर चल रहा है, कलयुग है, आज उनके साथ ही हुआ है, कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। तो भगवान शिव, मैं चाहूंगा कि किसी के साथ भी गलत ना हो। ये लगवाए इसलिए कहते हैं, अजय भाई ये जो सामने वाला जो आप रोड देख रहे हो, ये वाला सामने वाला, अच्छा। इसके जो आप राइट हैंड साइड में आप देखोगे तो एक रोड अंदर की तरफ जाता है, टेम्पू मुड़ा जो उस तरफ, ठीक है। यहाँ से एक बस जा रही थी, स्कूल बस थी, उस स्कूल बस को भी इंडिकेट किया गया था पहले, और कॉलोनी वासियों को भी इंडिकेट किया गया था पहले कि भाई यहाँ से हैवी व्हीकल अंदर आप जा रहे हैं तो स्पीड कम करें, क्योंकि बच्चों का कम रेजिडेंस एरिया है। यहाँ पे एक दुर्घटना यहाँ पे हुई, मिसहैपनिंग यहाँ पे हुई कि एक छोटा बच्चा उस बस के नीचे आने के बाद वो डेथ हो गई थी उस बच्चे की, बड़ी जान मान की हानि हुई, वो बड़ा दुखद घटना थी। उसके चक्कर में हमने सोचा कि यहाँ पे हैवी व्हीकल्स एंट्री ना करें रेजिडेंस एरिया के अंदर, तो वहाँ पे हम पिलर लगा देते हैं। फिर इन सोसाइटी वालों ने उस दुर्घटना का फायदा उठाते हुए, लगने तो चाहिए वहाँ पे कि रेजिडेंस के अंदर हैवी व्हीकल ना जाए, ये पिलर यहाँ पे लगा दिए गए दुर्घटना ना हो, पर इन पिलरों की वजह से मेन रोड होने के कारण यहाँ पे दुर्घटना कम नहीं हुई, यहाँ पे बड़ी है। एक सवाल होगा, आपका छत्र यही पड़ता है या कोई और छत्र से आगे? यहाँ पे यही है, सब यहीं के हैं, सब यहीं के, सब यहीं के। तो ऐसा नहीं हो कि अगर ये फटने से फिर से हैवी व्हीकल शुरू हो जाएगा आने, फिर से कोई दुर्घटना बड़ी कर सके, इस एरिया में उसके लिए क्या समाधान करोगे आप लोग? समाधान ये है कि हैवी व्हीकल के लिए तो आउटस्कर्ट में लगाएं, चौक पे लगाएं या कोई ब्रेकर लगाएं, ब्रेकर बनाएं, नहीं तो हर कॉलोनी में मेन रोड ऐसे ही बने हुए हैं, कहीं नहीं देखा कि ऐसे कोई बैरिकेड लगे हुए हैं जिससे दुर्घटना हो। अच्छा नीटू, अब मेरा सेंटेबल इंटरेस्ट है, भाई साहब हम मंडी में चले पल्लेदारी और सुबह 4 बजे निकला साहब, 5 बजे आवा तो अब तक जिम मालूम करके मांगना चाहे पीछे 5 मिनट फिर छोड़ दिया। कैसे है? ठीक है जी। तो सेंटी आज इस व्यवस्था से कितना नुकसान हो उसका है? बहुत गाड़िया, बहुत दिन का काम है, हर रोज कोई ना कोई दुर्घटना यहाँ होती। परसों रात की बात है, वो वीडियो है, वो भी परसों भी जा रहे, हलवाई का काम करके आ रहे थे, मैं जिम से जा रहा था, वो उसके एक के तो हाथ के चोट लगी, एक के कंधे पे चोट लगी। नमस्कार, आप नहीं 2 मिनट बताइए, आप एक प्रमुख समाज सेवी है और एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, तो आप इस तरह से समस्या उठाया करें कभी कभार, आप दिखते नहीं है कभी? क्या बात है, आपको देख के क्राउड देख के मैं रुक गया, क्राउड देख के रुक गया। ये जो कॉलोनी वालियों को कोई परेशानी ना हो तो मिलजुल के आप सिराए से इतफाक राय बढ़ा के कर लो, कहीं भी लगाओ से हटाओ। ये खंभे थे नुकसानदायक थे या सेफ्टी के थे? इसके दोनों विजन है सर, अगर फायर ब्रिगेड अचानक आपको चाहिए तो फायर ब्रिगेड के आने में दिक्कत हो जाए, बाकी पता नहीं क्या सेफ्टी का पॉइंट है वो, अगर उनका है तो वो एक अलग बात है। आने था कि एक हर्डल था, हर्डल था, बहुत बड़े व्हीकल से तो यहाँ तो गुजरना उचित नहीं है, बड़े व्हीकल्स का उचित नहीं है, लेकिन लाइट व्हीकल्स गुजरे कोई बात नहीं। कॉलोनी वालों से अपनी गाड़ी का 2 बार टायर फट लिया यहाँ, कॉलोनी वालों से बसवरा करके, और ये बिल्कुल उचित है, ठीक जो ये कर रहे हैं करिए। क्या कर रहे हैं? जो ये चौड़ीकरण कर दिया सर, चौड़ीकरण का कारण मुझे ठीक लगता है। ओके थैंक यू जी। क्या कहते हैं? मैं कह रहा था जी, अंकल जी खुद हमारे पूजनीय है, इंसान है, और इनकी गाड़ी का खुद 2 बार टायर फट चुका है यहाँ पे। कोई इन्हें बात का जिक्र करो, कोने करे आपकी बात करो यार, अंकल जी बड़े हैं, बड़े हैं हमारे साथ। मेरा तो अजय भाई, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, एक पिलर यहाँ पे लगा हुआ है, ये लगा दे, ठीक है। मेरी हाइट 6 फीट के आसपास है, अगर हम इसको ऐसे करेंगे तो मात्र 6 फीट ही है ये। अच्छा, यहाँ से गाड़ियाँ निकलेंगी तो नुकसान होगा, टायर फटेगा। सपोज अच्छा। कोई पेशेंट को गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल जा रहा है, उसका टायर यहाँ पे फट गया, वो टायर चेंज करेगा, अपने पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचाएगा, पहली बात। दूसरी बात, कोई बस स्टैंड के लिए निकला है, कोई रेलवे स्टेशन के लिए निकला है, अगर
किसी इमरजेंसी से कोई इंसान घर से बाहर निकलता है और यहाँ पे उनका टायर फट गया, एक्सीडेंट हो गया, तो अपना काम करेगा, अपना टायर चेंज करवाएगा। आप जो इस व्यवस्था को है अटवाला चाहते हैं भाई, अटवाला किसी अच्छा काम होगा तो आप इसके अलावा व्यवस्था क्या बढ़वाने का काम करेंगे? व्यवस्था मैं चाहूंगा कि अगर ये जो पिलर लगा हुआ है, हम भी चाहते हैं, क्योंकि रेजिडेंस हमारा भी यही है अजय भाई, हम इसके विरोध में नहीं है कि नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं यहाँ पे हैवी व्हीकल्स ना आए। अच्छा। क्योंकि रेजिडेंस एरिया है, किसी बच्चे को चोट ना लगे, किसी आमजन को चोट ना लगे, यहाँ पे हैवी व्हीकल्स का ज्यादा आना जाना ना हो, हम भी चाहते हैं ये चीज, पर उसकी उचित व्यवस्था हो जिससे आमजन को नुकसान ना हो। तो जो आपने कहा अब जैसा मैं बता रहा हूँ आपको, एक यहाँ पे फाउंडेशन बनाओ, एक वहाँ पे फाउंडेशन बनाओ, इनको हाइट देके ऊपर हाइट वाला लगा दो, ताकि जो छोटे व्हीकल्स हैं, जो बाइक वाले, वो आराम से निकल सके यहाँ से, साड़ी बाइक वाले। हाँ, दूसरी वो नहीं करवा सकते आप, तो यहाँ पे ब्रेकर्स बनवा दो, यहाँ पे ब्रेकर्स नहीं बनवा सकते, तो ये जो बाउडी गेट वाला मेन चौक है, इस रोड को जोड़ने के दो पॉइंट है, एक तो बाउडी गेट है, एक एमसी कॉलोनी मोड है, वहाँ पे ब्रेकर बनवा दो, वहाँ पे बनवा दो। उन संस्था ने और आपके संस्था ने मिलकर उनसे बातचीत करने का काम किया? बिल्कुल बात किया हमने, दो बार मीटिंग भी की हमने उनके साथ। हाँ। कि भाई यहाँ पे ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ। लोहे के पिलर लगे हुए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो रहा है, इनको या तो हाइट वाला कर दो या ब्रेकर लगवा दो। तो बोलते हैं हम करेंगे करेंगे, फिर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमने दो बार तीन बार एप्लीकेशंस दी, जैसे ही वो एप्लीकेशंस डिपार्टमेंट में जाती है, डिपार्टमेंट के फोन इनके पास आते हैं कि साहब वहाँ पे एप्लीकेशन आई हुई है, इसी आदमी ने एप्लीकेशन दी और ये पिलर हटवाने के लिए बोल रहे हैं। वो अपना राजनीतिक प्रभाव दिखा के या अपना उच्च जो पद पे बैठे हैं उनका प्रभाव दिखा के उस एप्लीकेशन को वही रुकवा देते हैं। अच्छा। कि भाई ये पिलर नहीं हटनी चाहिए, किसी का नुकसान हो तो होता रहे, कोई मरे तो मरे और कोई जिए तो जिए, ये हम नहीं होने देंगे यहाँ पे। रोज सर फटने लग रहे हैं, रोज डेढ़ परसों तीन दिन पहले एक लड़की के तीन हाथ के तीन फ्रैक्चर हो गए गिर के, यो है मेरे घर के आगे, रोज के फ्रैक्चर होने लग रहे हैं, बताओ यह बात। रोज टायर फटने लग रही है, एक टायर कितने का 10,000 का है, किसी की नई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, परसों एक नया गाड़ी लेकर आ रहा था बेचारी, नई गाड़ी का एक्सीडेंट, हर एक को क्या चलानी आवे इतनी बीड़ी उसमें से निकालनी, थोड़े या तो चौड़े तक करके आराम से तरीके से लगाओ भाई, तरीका है भी भाई का, तो रोकना है तो उसको रोको ना यह चीज का। जब बोलते हैं भाई साहब तो कहते हैं कि गाड़ी चलानी नहीं आती, कौन से भाई माइकल शूमाकर के पैदा हो गए भाई जिनको गाड़ी चलानी नहीं आती? तीन फ्रैक्चर हुए हैं, तीन फ्रैक्चर, एक हाथ में पेपर देने जा रही थी, हो गया उसका तो पेपर हो गया उसका। आपने मैं आपको फॉलो करता हूँ, आपकी सारी वीडियो देखता हूँ, मैं क्या पूरा शहर ही आपको फॉलो करता, सारी वीडियोस देखते हैं, क्योंकि आप सच को सच और झूठ को झूठ दिखाते हो, आप नीचा काम करने में भी नहीं शर्माते और उच्च अधिकारी से सवाल करने में भी नहीं शर्माते। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी हो रहा है ना, मैंने आपकी कल की वीडियो देखी, आप हमारे पास में यहाँ पे अजय मल्होत्रा जी रहते हैं, आप उनकी वीडियो, आपने उनका बाइट ली, आपने उनको भगवान का दर्जा दिया, हमारे बड़े हैं, हमारे पूजनीय हैं, हम भी उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनका मान सम्मान है प्रॉपर तरीके से, पर अजय मल्होत्रा जी ने, मैं भी फ्रैंक आपके सामने बोल रहा हूँ, कैमरा के सामने बोल रहा हूँ, अजय मल्होत्रा जी ने इस पिलर को लेकर, इन पिलरों को लेकर खुद, मतलब इन पिलरों को अपनी अहम की लड़ाई बना रखा है। हम जब भी अप्लीकेशन लेकर डिपार्टमेंट के पास जाते हैं, चाहे नगर परिषद में जाएँ, चाहे डी सी ऑफिस में जाएँ, चाहे कहीं भी जाएँ, वहीं पर फ़ोन मार के बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा भगवान इस तरह का काम करेगा। मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी भगवान शिव को अपना आराध्य मानता हूँ, मेरे इष्ट देव है, मेरे गुरुदेव हैं वो, भगवान शिव, जितने भी हम सब लोग खड़े हैं, आपको मेरे अंदर नीटू नजर आ रहा होगा, मेरे को आपके अंदर अलग अलग नाम से जानते हैं लोग, मेरे को आपके अंदर भगवान नजर आ रहा है, बिल्कुल, क्योंकि मैं उस लाइन में हूँ, मेरे को अमित भाई साहब के अंदर भगवान नजर आ रहा है, मेरे को हर आत्मा के अंदर भगवान नजर आ रहा है, तो अजय मल्होत्रा जी के अंदर भी मेरे को भगवान नजर आ रहा है, जैसा आपको आया आपने उनको भगवान बता दिया, पर भगवान का काम रास्ते से कांटे हटाने का होता है, कांटे बिछाने का नहीं होता। चलो जी, तो हाँ जी भाई साहब क्या बात है, स्पीड स्लो करवानी है या तो आउटर में लगाओ, दोनों साइड में लगाओ भाई, इस एरिया को सेव भी करना है तो वहां से तो गाड़ी तेज करके आओगा, सिर्फ यहीं स्लो होनी चाहिए, आगे फिर तेज चला ले, इसका मतलब यही है ना, ये 150 मीटर है रोहतक गेट तक, 150-200 मीटर काम है जी, कि एक आदमी प्रभावशाली हो और पूरे क्षेत्र की, पूरे इलाके की व्यक्तियों की ना सुन जाए, ऐसा हो सकता है? ऐसा हो रहा है, वो क्या बोल रहे हैं तो खड़े हैं भाई साहब, सारे इलाके के हैं ये, कितने नहीं एक्सीडेंट तो होते हैं, मगर उसके दोनों फैक्ट है ना, लोग यहाँ पे ट्रक लेके आते हैं, अभी डंपर लेके आते हैं, हाइट वाला लगवा दो ना साहब, हाइट वाला लगवा दो, हाइट वाला गोयल पाइप लगवाओ कि यहाँ पे वो ना टायर ना फटे। आपका घर कौन सा है? ये यहाँ पे रोज एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पे परसों लड़की बाहर निकल के देखते हो? था नहीं परसों, बाकी कई बार होता हो जाता है, कई बार नहीं काफी बार हुआ है, माथा फट गया यहाँ पे, एक आदमी का खून भी लगा पाएगा, क्या होगा श्याम अग्रवाल? अग्रवाल साहब
क्या वास्तविकता में ये यहाँ से हटने चाहिए और हटने के साथ में इसकी क्या व्यवस्था बननी चाहिए? सुझाव की बात यह है, यहाँ पे बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए मतलब जरूरत है, सुझाव देना पहले। हाँ। क्या क्या करना चाहिए? ठीक है, हाइट वाला ऑप्शन लगाया जा सकता है, उसमें क्या है कि ट्रक, हैवी ट्रक, डंपर, जो बस, इवन रोहतक गेट पे कोई जाना नहीं चाहता, बड़े से बड़े हैवी ट्रक आजा, ये रेसिडेंशियल कॉलोनी है, उसमें बच्चे हैं, खेलते हैं, समस्याएं आती है। चलो जी, तो विनती यहाँ की जो कमेटी से है इस कॉलोनी की, और विनती पार्षद साहब से भी है, और विनती यहाँ के समाज से भी, भाई 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 भाई। हमारी कोई पर्सनल किसी से द्वेष नहीं है, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि भाई पूरा का पूरा ये ऊपर से अपने वो लग जाए इसके अंदर, और ये गोल पाइप लगे ताकि किसी को चोट ना लगे, बस और कुछ नहीं है। हम खुद है ना मल्होत्रा जी से मिले, सर वो खड़े भवानी भाई साहब से मिले, राहुल राणा भाई से मिले, ठीक है, सबसे सबसे पहले हमने नींदी कही इसको कटवाया गया, और पहने हो गए ये कटवाए भी हैं, ये मल्होत्रा, फिर उसके बाद कोई भी मतलब यहाँ के एमसी से ही मिले, भवानी भाई से मिले, राहुल भाई से भी कही, डेली एक्सीडेंट हमारे, आपके बाद आपने 160 वीडियो दिखा देंगे जी, और सब तीन आदमियां दिखा रखी है, ये सारे आगे आदमी है, सारे सारे सारा के टायर भी फटे हैं, सारा का नुकसान भी हो गया है। हम ये चाहो जी हाइट वाले लगा दो या दोनों कॉर्नर पर लगा दो, कुछ भी करो, आदमी की इतनी काम हो गया, ये आदमी का जान माल किसी भी तरह की हानि नहीं होनी चाहिए जी। मेरे अगर जहाज 1,000 रुपये का नुकसान हुआ है, या मान लो जिस आदमी ने लगवा रखा है, अंकल जी ने लगवा दिया, भाई साहब ने लगवा दिया, किसी ने, या तो पूरा बोर्ड लगवाया जाए, या तो यहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाए, सोसाइटी लगा लो जी, कंपनी लगा लो, या तो बोर्ड लगा दिया जाए, भाई जिस आदमी का नुकसान होता है इनकी वजह से, ये भाई इस नंबर पे संपर्क करके अपना वो ले ले, इस तरह भी वीडियो लगा दो जी, मारा कोई 8 को नहीं। कैसे सर? बहुत बढ़िया सर, आपके क्षेत्र की, आपके यहाँ के स्थानीय निवासियों की एक शिकायत है, एक समस्या है, वो कहते हैं कि यहाँ से जो आम जन जाने वाले होते हैं उनके कहीं सिर फटते हैं, कहीं फ्रैक्चर आ जाता है, कहीं नुकसान हो जाता है, टायरों का हो, चाहे गाड़ियों का, चाहे किसी और प्रकार की व्यवस्था का हो, तो आपकी यहाँ पे कमेटी काम करती है, आपसे विनती भी है इन लोगों की, और आपसे एक वो संज्ञान में लेने का बात भी है, और आप इस संस्था के प्रधान सदस्य भी बताए जा रहे हैं कि इनकी ये समस्याएँ हैं, तो इन समस्या के समाधान के लिए प्लीज आप क्या काम करेंगे? देखो ये जब लगाए गए थे ना, तो ये जिस वक्त लगाए गए थे तो यहाँ से बहुत हैवी ट्रैफिक जाता जी सर, 2-3 ऐसे एक्सीडेंट हुए थे कि बड़े 2-3 बच्चों की डेथ भी हुई थी, क्योंकि ये लोग जो आज विरोध कर रहे हैं वो उस टाइम बहुत छोटे होते थे, उनको मालूम नहीं है इस बात का। ये इसमें इनकी बात ठीक है कि ये लगने से कईयों के टायर भी फटे, बट लाइफ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है टायर से, एक टायर फटना और लाइफ बचाना किसी की वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात ये भी ठीक है इस भाई ने अभी जो कही भी, इनकी जगह ऊंचा करके ऐसा खुला लगाया जाए कि हैवी ट्रैफिक ना निकले, ना तो हमारी जो एसोसिएशन है उसका ये कोई वो है कि किसी को हमने तंगी करना है, भाई ये एसोसिएशन ने नगर परिषद की अप्रूवल से, नगर परिषद ने खुद प्रस्ताव पारित करके इसको लगवाया था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष की है ये मैं गलतफहमी भी दूर करना चाहता हूँ लोगों की, ये एमसी कॉलोनी वेलफेयर एसोसिएशन जो है ये एक पीडब्ल्यूडी रोड नहीं है, ये नगर पालिका का रोड है, ये कॉलोनी का रोड है, नक्शे के अंदर नगर पालिका रोड नहीं है, ये कॉलोनी रोड है। आप कॉलोनी रोड में हैवी ट्रैफिक चलाओगे तो यहाँ पर एक्सीडेंट तो होंगे ही होंगे, ये जो सड़क है ना बड़ी मुश्किल से बनाई जाती हैं, और लोगों के एक्सीडेंट ना हो, लोगों की मांग सिर्फ इतनी है भी एक हैवी ट्रैफिक रोक के चाहे कैसे भी रोक सर, अब मतलब ये नहीं है कोई जीत नहीं है किसी चीज की, भाई ये एंगल है या नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोग ही अपने हैं जिसका भी नुकसान होगा, अकेले किसी बाहर के लोग का टायर नहीं फटा, टायर तो हमारे भी फटे हैं, मेरी खुद की कार के 4 बार टायर फट चुके, चार टायर समझे नहीं यार, हमने तो हटवा दिए, कहाँ हटवा दिया सर, हम ये कह रहे हैं मेरी भवानी जी से, अब आपके कहने से तो बात थोड़ी ना, कोई भवानी प्रसाद जी से जो बात हुई है, मैंने अब ये टेलीफोन पे बात करवाऊंगा, अभी मैंने भवानी प्रसाद जी से ये कहा है भी आप ऐसी व्यवस्था कर दो जो आपको उचित लगे, कॉलोनी के लोगों से बात करके कि हैवी ट्रैफिक बंद सर, अब वो क्या उचित समझते हैं,
भी ऊपर से करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, चाहे यहाँ लगाएं, चाहे वहाँ लगाएं, चाहे वहाँ लगाएं, भाई हैवी ट्रैफिक रोक दो, हमारी एक ही डिमांड है बस। हम ये नहीं कहते हमारी तरफ से इसकी 10 बार ऐसा नहीं है, आप ही यहाँ पे रह रहे हो, रेजिडेंस मेरा भी यहीं पे है, इनका भी यहीं पे है, ये अमित पाल खड़ा है इनका। आप क्या चाहते हो? आपसे इस टॉपिक पे 4 बार बात हो चुकी है पहले। क्या चाहते हो? हम ही चाहते हैं ये हट जाए, आम जनता नुकसान ना हो, बिल्कुल ना हो, किसी को चोट ना लगे। तो कर देना चाहिए था ना, आपको हमारे बड़े हो, मान लेते हो, आप 4 बार हमारी बात हो, हमारे बच्चे हो यार, कोई हमको आपको भी कहिए अगर हम किसी को गलत ढंग से काटेंगे, एक एंगल रह गया, अपन काटने से दोनों काट देते बेटा, अपन आपा काटने से, अगर आपा बेल्विशर ही है, अपना बनता ही था कि पहले बड़ा लगाते फिर आप काट देते, अब आपको तो रोक थोड़ी ना। मैं और ये भाई कई बार डिस्कस करते हैं कि हम किसी तरह यार बड़ा हो, किसी का नुकसान ना हो, गोल पाइप की भी बात है और जान माल की हानि ना हो। हम भी यही चाहते हो, हम भी यही चाहते हैं, सारे यही चाह रहे हैं। अब ऐसे है, आप और हम मिलके, ये ना सोचो कि हम भारत हैं या पाकिस्तान हो, आप और हम मिलके नगर परिषद चलेंगे और उनसे कहेंगे, नगर परिषद चलने की जरूरत नहीं, नगर परिषद आपका है, आप हमारे हो, तो ताना बाना भिवानी क्वेस्ट करेंगे, फोरम तो होगा। हाँ बिल्कुल अच्छा सर, अध्यक्ष जी से एक देखो, एक चेयर है, चेयर से अनुरोध तो करेंगे ना कि आप इसको बड़ा करवा के सर, तो आपसे सर, जो चेयरपर्सन अगर कुछ नहीं करे, हम अपने साइड से ये करते हैं, सिग्नोनी मोड पे अपने एक्सपेंस आपको जैसे अच्छा बेटा, उसमें एक दिक्कत आएगी हमारी तरफ से, कहीं लगाओ, मैं एक सुझाव है मेरा, मैं ऐड कर दूं, मैं ऐड कर भाई साहब, एक आपसे विनती है, कितने सीनियर आदमी आ जोड़े, अच्छा लगे कोई ऐसा है, सुनो बात तो वैसे है, जब हम भगवान मानते हैं यार, मैं कहने लग रहा हूं हम भाई हमारे जब हम भगवान मानते ना, हमारे भगवान है सर, एक विनती है, एक विनती सर, देखो हम ये बाबू जी और मैं इस उम्र के पड़ाव पे खड़े हैं, 5 साल जिए, 10 साल जिए, 2 साल जिए, कुछ नहीं, परमात्मा करे भगवान आप लोगों को लंबी उम्र दे, हम चाहते हैं कि भविष्य भाई साहब, अब लास्ट की है जो वो है एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन आप लिखेंगे, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये हमारी अप्रूवल है, अच्छा नगर परिषद से, डीसी से ये अप्रूवल है, लगवाना है अच्छे ढंग से, कैसे लगे मैं शैंटी पे छोड़ देता हूँ, नीटू पे छोड़ देता हूँ, ये अच्छा कैसे लगवा देगा मेरे को, वो भी मंजूर। अच्छा आप अगला आप कदम अब युवा है, शैंटी देखो हम जब जवान थे ना तुम्हारी उम्र के, हम खड़े होकर लगवाते थे, इन दोनों जवान है, खड़े होकर लगवा दो यार, अगली कार्रवाई क्या होगी, अगली कार्रवाई अजय भाई यही है, हमारे अजय मल्होत्रा जी भी खड़े हैं, आप भी खड़े हो, हम भी खड़े, पूरा शहर देख रहा है इस चीज से, हम चाहते हैं कि आम जन को यहाँ पे कोई नुकसान ना हो, कोई चोट ना लगे, उसका एकमात्र उपाय यही है कि भाई या तो आउटर पे लगाया जाए, आउटर पे लग नहीं सकता क्योंकि किसी का कोई सामान है, कोई बिल्डिंग मटेरियल है, कोई बड़े व्हीकल उनमें आएंगे तो वो एंट्री कैसे करेंगे, अगर आउटर पे लगा देते हैं तो आउटर पे नहीं लग रहा तो ब्रेकर बनवाया जाए, पहली बात ब्रेकर भी नहीं बन सकते तो उसको हाइट का बनवा दो, तो अब आप है युवा है, अब आप युवा ना, जिस प्रकार से रात को कोई घायल हो तो आप आगे मिलते हो, बिल्कुल, तो आप खड़े हो कि आप ये भी काम करो, कोरोना काम करो, चाहे नगर परिषद अपनी है, अजय मल्होत्रा जी खड़े सामने ही है मेरे, मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये हाइट वाला बने या नगर परिषद से कोई कार्रवाई हो तो अप्रोच ना लगवाए, फोन ना लगवाए, बस मैं इस चीज के लिए टेलीफोन नहीं करूंगा कहीं पे भी, आप दोनों मिलके फैसला करके अच्छा लगवा दो, मेरे को दिक्कत नहीं है, हर्ष भाई आ छोड़ दी ये थोड़ा सा बुरा लगा ना, हाइट वाला लगेगा सब, क्या होता है कि व्हाट्सएप पे अपन मैसेज दे दे के बातों को करते हैं ना, वो अच्छी बात नहीं, एक दूसरे के सामने बैठ के करना चाहिए, मैं बताऊंगी हम भी इससे निकल रहे हमारा घर भी है, आप दोनों फैसला करो, बैठ के आप दोनों कमेटी बना दी, राहुल भाई ने कल ही हटवा दिया, कल से परसों से ही फोन बज रहे हैं, कभी कहीं किसी को, स्वाभाविक है कॉलोनी में लोगों को देखो तकलीफ हुई है, तकलीफ रोज एक्सीडेंट हो रहा है, वो तकलीफ ही नहीं है, हाथ टूट रहे, लोगों के सिर फूट रहे, टायर फट रहे, वो तकलीफ ही नहीं है, मतलब किसी का वेट करे, कोई मर जाए तो कोई तकलीफ, उस बात को खत्म कर दिया, चलो वो बात अब आगे छोड़ यार, छोड़ सुनो, अब मेरे को ये बता दो, नीटू
तुम दोनों मिलके कब फैसला कर लो? फैसला हो गया साहब, आप बैठो, इसको हाइट वाला करवा देते कल को। आप कब करवा दोगे? मैं तो देखो मेरी दो बातें, नीटू सुन मेरी बात, मेरे को कॉलोनी को भी जवाब देना स्वभाव है। हाँ, वो तो भाई मैं एक परिवार है मेरा, वो आप फैसला कर दो दोनों मिलके भी, आपने इस तारीख को ये बनवाना, हमारे को वो मंजूर है, कोई दिक्कत नहीं साहब, हम भी आपसे अलग। हाइट भी आप फैसला करो बस, ठीक है, आप हाइट फैसला करो, आप जगह का फैसला करो, हमें किसी चीज में। थैंक यू सर, एक बात और तो सर, सर अबे जो वो लगेगा ना बैरिकेड, अगर प्रशासन मदद करेगा तो ठीक है, नहीं मदद करेगा तो हम कॉन्ट्री करके हम करवा देंगे, पर आम जन का नुकसान नहीं होगा। आप पैसा देंगे, भवानी अपना भाई है सबका, आप कहेंगे बच्चा है, आप कहेंगे करेंगे क्यों? अरे मैं बोलूं, मुझे विश्वास था मेरे भगवान पे, बिल्कुल ये था ना, तो भगवान का काम काटे हटाने का, काटे बिछाने का होता है, तो व्यक्ति के अंदर भगवान दिखता है। अगर इसने मेरे अंदर दिखा, मन नहीं इनके अंदर दिखा, और आप सबको आज जो जीवन बचेगा उनके अंदर भगवान दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े सपनों के आसान बनाए जा रहे हैं, गरीब गरीब क्या अमीर क्या। थैंक यू सर, तो अब इस मसले पे आज समाधान हुआ, अब ये युवा टीम है, ये मिलजुल के काम करेगी, क्या कदम उठाएगी वो तो भविष्य के गर्भ की बात है, अब जल्दी से जल्दी इसमें काम कब से शुरू होगा। लेकिन ये है कि अब कमेटी भी वही थी, युवा भी वही है, और जी अब कार्रवाई देखनी, लगने बाद पक्का दिखाने आऊंगा कि क्या व्यवस्था बनाई आज सबने मिलजुल के इस व्यवस्था के लिए। जे एन सी न्यूज से आज नायक दीपांशु शर्मा की खास रिपोर्ट, MC कॉलोनी से।